फ्रेंड्स टू माय चैनल सिबलिंग जीनियस वर्क। फ्रेंड्स टुडे आज हम देखने वाले हैं फुटिंग कास्टिंग कैसे करते हैं और फुटिंग का जो लेआउट कैसे लेते हैं और बॉटम जाली कॉलम का वर्टिकल कैसे लगाते हैं। फुटिंग जब कास्टिंग होता है पहले तो हमको उसका जो साइज़ है हमारा फ्रेंड्स ये 1200x1200 का स्टैंडर्ड साइज है। तो इसका जो हाइट है 250 का हाइट है। हमारा जो बोर्ड बना है ये 300x300 का हाइट है। हमको ये 250 से रखना पड़ेगा। हम इसलिए 300 का किए हैं कि हम कलम जो हमारा साइज है 300x300 है तो हम ड्यूल पर्पज़ के लिए इसको बनाए हैं। और जब कलम का वर्टिकल खड़ा करते हैं ना फ्रेंड्स उस टाइम हमको साउल चेक करना पड़ता है। देख सकते हैं पूरा का पूरा साउल मार के इसको कलम को फिक्स किया गया है। उसके बाद इसका कंप्लीट होगा। उससे पहले फ्रेंड्स हमारा जो कवर ब्लॉक बॉटम जाली हमारा कवर ब्लॉक के ऊपर रहता है। जो कवर ब्लॉक हमारे यहाँ पे है कवर जो है 50mm का कवर है। हमारा जो बॉटम का जो राफ्ट होता है या फिटिंग होता है सब में हमारा जो कवर आता है साइड में मैक्सिमम से मैक्सिमम 75 आता है और बॉटम में आता है 50mm का। अब यहाँ पे देख सकते हैं पर स्क्वायर मीटर में एक कवर ब्लॉक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो बॉटम मैट है उसको पोजीशन में रखने के लिए हमको 4 कवर ब्लॉक यूज किया गया है यहाँ पे। उसके बाद बॉटम दिया गया है। उसके बाद हमारा कलम का वर्टिकल खड़ा किया गया है। कलम का वर्टिकल खड़ा करने से पहले हमको फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं उधर भी हमारा ये है, ये जो है आप देख सकते हैं साइड में जो रिफ्रेशमेंट साइड में दिया गया है वो सब हमारा जो ग्रिड लाइन है, ये जो देख रहे हैं ये ग्रिड लाइन है। तो ग्रिड लाइन के हिसाब से हमारा जो आप देख सकते हैं बीच में लाइन नहीं दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पर लेआउट कलम का लेआउट मार के कलम का वर्टिकल उसको पोजीशन में दिया गया है। और जितना भी कलम है आप देख सकते हैं पूरा एक लाइन में है। इधर भी है, ये कास्टिंग हो चुका है, दूसरा भी कास्टिंग चल रहा है। देख सकते हैं जो कलम है पूरा का पूरा एक लाइन में है। और ये जो है हमारा ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन के हिसाब से हम लाइन डोरी मार के उसका कलम का कास्टिंग सॉरी इसका लेआउट मार के कलम का कास्टिंग सॉरी फुटिंग का कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग से पहले हमको पानी मार के उसको गीला करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम का कास्टिंग चल रहा है। वाइब्रेटर और कोना में और लेयर में मारना पड़ता है क्योंकि हमारा जो हनी कम होता है हनी कम को अवॉइड करने के लिए और फिनिशिंग अच्छा से आने के लिए हमको वाइब्रेटर लगाना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुटिंग का जो कास्टिंग है फुटिंग कास्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। और बीच में आप देख सकते हैं कलम का बीच में एक लकड़ी दिया है उसको निकाल देंगे। ये हमारा की के लिए मतलब उसके ऊपर जो कलम आएगा तो फुटिंग और कलम के बीच अच्छा से पकड़ाने के लिए वो दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा साथ कास्टिंग हो चुका है अभी। और ये बोर्ड भी आप देख सकते हैं बोर्ड हमारा 50mm छोड़ के कास्टिंग हुआ है क्योंकि हमारा जो बोर्ड बना है 300 हाइट का बना है। और अब फ्रेंड्स ये हमारा जो फुटिंग चेक करने का एक तरीका है। आप पहले तो अब डायगोनल चेक करना पड़ेगा, डायगोनल हमारा दोनों का सेम आना चाहिए। और एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं साउल साइड में साउल चेक करके आपको प्रॉपर वर्टिकल में है या नहीं
वो भी आप चेक कर सकते हैं, मतलब चेक करना पड़ेगा कास्टिंग से पहले, इसको चेक करके आपको इंश्योर करना पड़ेगा, उसके बाद कास्टिंग करना। ये सब मैं पहले कर चुका हूँ, यहाँ पे सेट हो चुका है पहले वाला कंक्रीट का। फ्रेंड्स आज के लिए इतना है।